कोरबा में कुसमुंडा थाना अंतर्गत वैशाली नगर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दोनों अपने किसी साथी के यहां षष्ठी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां से वापसी के दौरान यह हादसा हुआ। कोरबा जिले में सड़क हादसों के दौरान लोगों की मौत होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना जिले की कोई न कोई सड़क बेकसूर लोगों के खून से लाल हो रही है। एक बार फिर सड़क दुर्घटना में दो लोगों की जान चली गई। कुसमुंडा थाना अंतर्गत वैशाली नगर पेट्रोल पंप के पास बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही दोनों का अंत हो गया। मृतकों के नाम संतोष श्रीवास और जे आर्मी है। दोनों अपने किसी साथी के यहाँ छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। वहां से घर वापसी के दौरान हादसा हो गया। दोनों मृतक कुसमुंडा खदान में एक ठेका कंपनी में कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि दुर्घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। रात को पापा अपने दोस्त के साथ गए थे कहीं, तो हम लोग को लगा वहीं रुक गए होंगे, सुबह आएंगे, तो फिर सुबह पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। सर कल ये लोग हमारे यहाँ एक अक्षय यादव करके उसके यहाँ छठी का प्रोग्राम था, तो शाम को ये लोग वहाँ छठी के प्रोग्राम में गए हुए थे। वहाँ से मैंने खाना वाना खा के जब लौट रहे थे, तब रात में 10:45 में पेट्रोल पंप के आगे जो वैशाली नगर है वहाँ पर मैंने ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। और हम लोग सवेरे गए देखने के लिए तो ट्रक नहीं था, मोटरसाइकिल पूरी मैंने सामने का टूट चुका था, चक्का उक्का मैंने पूरा टूटा हुआ था। ये लोग दो लोग थे, जे आर्मी और संतोष सिंह, दोनों ख़त्म हो गए सर। कुसमुंडा मार्ग पर चलना इन दिनों खतरे से खाली नहीं है। सड़क निर्माण के साथ ही भारी वाहनों के दबाव के चलते जरा सी लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। ऐसा ही कुछ बाइक सवारों के साथ भी हुआ होगा, जिसके कारण अब वे इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल मर्ग पंचनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोरबा से पवन तिवारी की रिपोर्ट।